दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर टीजर आईएएस में। तो देखिए, हम बात कर रहे थे पजल्स के ऊपर। ये तो पजल्स के ऊपर हमारे ये फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चंस है हमारा कि इन अ ग्रुप ऑफ सिक्स वुमेन देर आर फोर टेनिस प्लेयर, फोर पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी, वन पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, थ्री बैंक एम्प्लॉय। बिमला एंड कमला आर द बैंक एम्प्लॉयज, वाइल अमला आमला और कोमला आमला एंड कोमला आर अनएम्प्लॉयड। कोमला एंड निर्मला आर अमोंग द टेनिस प्लेयर। आमला, कामला, कोमला एंड निर्मला आर पोस्ट ग्रेजुएट्स इन सोशोलॉजी, ऑफ हुम टू आर बैंक एम्प्लॉयज। इफ श्यामला इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, हु अमोंग द फॉलोइंग इज बोथ अ टेनिस प्लेयर एंड अ बैंक एम्प्लॉय। राइट, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस वही अपना तरीका पुराना वाला, टिक मार्क से करते हैं। ठीक, तो पहले हम नेम लिख लेते हैं। नेम क्या क्या है इनके? पहला है हमारा बिमला, राइट। बिमला ये और आएगा क्या यहाँ? ठीक है, बिमला, कमला, आमला, कोमला। इट्स सी के ओ, इट्स अ ये है कमला एंड ये है कोमला, राइट। देन निर्मला, देन श्यामला। अब इनके कुछ क्या है? इनके कुछ पैसा है, कुछ रोजगार है भाई इनका। पहला क्या है? बैंक कर्मचारी हैं, बैंक एम्प्लॉय, राइट। टेनिस प्लेयर, टीपी लिख देते हैं यहाँ, टेन लाइनिंग प्रोसीडिंग। पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी एंड अनएम्प्लॉय, राइट। ये है हमारी पूरी की पूरी टेबल। अब इसमें करना क्या है, देन चलते रहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चंस हमारे क्या कह रहे हैं, राइट। पेन कर लेता हूँ मैं यहाँ से चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। छह स्त्रियों में एक समूह में चार टेनिस खिलाड़ी हैं, चार समाजशास्त्र में स्नातक कोर हैं, एक वाणिज्य में स्नातक कोर है और तीन बैंक कर्मचारी हैं, जिसमें से बिमला और कमला बैंक कर्मचारी हैं। जी हाँ, देखिए बिमला और कमला क्या है? बैंक कर्मचारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। जबकि अमला और कोमला बेरोजगार हैं, यानी कि अमला और कोमला क्या है? बेरोजगार हैं। ये यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का कॉमन कॉलम, ठीक है, अमला और कोमला में ही, हाँ ठीक है। देन कोमला और निर्मला टेनिस की खिलाड़ी में से हैं, यानी कि कोमला और निर्मला टेनिस की प्लेयर में से हैं, ठीक है। चलिए, अमला, कमला, कोमला एंड और निर्मला क्या है? समाजशास्त्र में स्नातक कोर हैं, यानी कि अमला भी क्या है? समाजशास्त्र हमारा कहाँ है? ये रहा सोशोलॉजी, ठीक है। अमला स्नातक कोर है, कमला भी है, कोमला भी है, राइट, और निर्मला भी है, में स्नातक कोर है, जिसमें जिनमें से दो बैंक कर्मचारी है, ठीक है। बैंक कर्मचारी कौन होगा? यानी कि आप देख रहे होंगे कि अमला और कोमला क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, देख रहे हो आप, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो बचे कौन हमारे? बचे कौन? कमला और निर्मला। कमला पहले से ही बैंक कर्मचारी है, तो हमारी बचती हमारी कौन? निर्मला, ठीक है। यदि श्यामला वाणिज्य में स्नातक कोर है, यानी कि पी किस में है? कॉमर्स में है, तो इनमें से कौन टेनिस की खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों है? यानी कि टेनिस की भी प्लेयर है और बैंक कर्मचारी भी है। देखिए बैंक कर्मचारी देख रहे हैं आप, टेनिस की भी प्लेयर पूछ रहा है आपसे और बैंक कर्मचारी भी पूछ रहा है, तो कौन है? निर्मला है हमारी, राइट। देख रहे हो बैंक कर्मचारी भी है जी और टेनिस की प्लेयर भी है, राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? इट सी, ठीक है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका हिंदी वर्जन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये है भाई
इसको इसको बाद में करेंगे, देन पहले हम देखते हैं ये छोटा सा क्वेश्चन, राइट। देखिए आपसे कह रहा है ना, स्कूल देर आर फाइव टीचर्स ए बी सी डी एंड ई ए एंड बी टीच हिंदी एंड इंग्लिश, सी एंड बी टीच हिंदी इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, डी एंड ए टीच मैथमेटिक्स एंड हिंदी, ई एंड ई एंड बी टीच हिस्ट्री एंड फ्रेंच, हु टीच मैक्सिमम नंबर्स पूछ रहा है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है किसी पाठशाला में ए बी सी डी और ई हैं, ए और बी हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम ए बी, कितने लोग दिए हुए हैं यहाँ पे, दो चार और पाँच, ए बी सी डी, सी डी एंड ई, राइट। चलिए क्या क्या बोल रहा है इसके सामने लिख देते हैं फटाक से। देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यानी कि ए हिंदी और इंग्लिश और बी हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। आगे सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं, यानी कि सी हमारा क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं साहब। वहीं बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं, ये तो अंग्रेजी पहले से पढ़ा ही रहे हैं, तो ये क्या पढ़ाते हैं, ये ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं। देन नेक्स्ट आपसे बोला डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं, यानी कि डी हमारा क्या पढ़ाता है, गणित भी यानी कि मैथ और हिंदी, यानी कि हिंदी को यहाँ लिख लेते हैं, हिंदी का कॉलम ये चलता है ना, हिंदी एंड मैथ पढ़ाते हैं, और यहाँ हिंदी तो चली रही है, ठीक है। देन ई क्या कह रहा है आपसे, ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं, ई क्या पढ़ा रहे हैं आपसे, हिस्ट्री HIES और फ्रेंच, बी भी क्या पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री एंड फ्रेंच, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आई थिंक यहाँ आएगा, आपसे बोला गया था कि डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं, यानी कि डी हमारा क्या पढ़ाता है, मैथ और हिंदी, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हिंदी तो पहले से पढ़ा रहे हैं ये, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, यानी कि मैथ आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन पढ़ाता है, अधिक विषय कौन पढ़ाता है, कौन दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है, ये देखिए सर्वगुण संपन्न व्यक्ति HEG यानी कि हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड फ्रेंच, ये सभी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी एंड ऑप्शन आल्सो आ बी, राइट। तो अब देखते हैं हम ऊपर वाला क्वेश्चन, ये देखिए पूरी की पूरी थ्योरी सी है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक। इसमें देखिए इंग्लिश वाले में ना, इसमें ना दो क्वेश्चंस दिए हैं इसके, इसलिए मैं इसको हिंदी में सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। इसमें इसके तीनों के तीनों क्वेश्चन दिए हैं, 2016 में आया सी सेट में का प्रश्न है ये। चलिए बात करते हैं कैसे सॉल्व होगा, ये रीड कर लेते हैं क्वेश्चन, 6 बक्सा ए बी सी डी ई, सॉरी ठीक है। यहाँ देखिए और बोल रहा है, और वह डी बक्से में नहीं है, बक्सा ए का, डी बक्से में नहीं है, ठीक है। बक्सा ए का जिसमें टेनिस की गेंद है, रंग नारंगी है, ये क्या है, हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन है। बक्सा ए का जिसमें टेनिस की बॉल है, बक्सा ए जिसमें टेनिस की बॉल है, ठीक है, यानी कि टेनिस की बॉल है, टेनिस बॉल, और क्या है कलर इसका, नारंगी, राइट। देन और वह दाई ओर के अंत में रखा गया है, ठीक है। इसको हम ना देखो, ये ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इससे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इसके ऑप्शन जब आप सॉल्व करेंगे, जो मैं इसमें फिल करा दूंगा उसी से ही सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले हम इसको पूरी टेबल को सॉल्व करते हैं। हॉकी की गेंद ना ही बक्सा डी में है ना ही बक्सा ई में, देखिए जो पहली वाली जो इन्फॉर्मेशन थी मैं उसको भी यहाँ लिख लेता हूँ, क्या कह रहा है, जो हमारा डी है वो क्या है, गोल्फ है, गोल बक्स, गोल्फ है, जो वो जो गोल्फ की गेंद है वो किसमें, डी बक्से में है, सॉरी डी बक्से में नहीं है, डी बक्से में नहीं है, डी बक्से में नहीं है आपकी, और वह डी बक्से में नहीं है, गेंद बैगनी बक्से में है, ठीक है, बैगनी बक्से में, यानी कि कलर दे रखा है,
क्या दे रखा है आपका? बैगनी कलर, राइट, डी बॉक्स में नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी की गेंद ना ही बक्सा डी में है ना ही बक्सा ई में, ठीक है। चलिए एक और इन्फॉर्मेशन मिली कि हमें जो हॉकी की गेंद है वो ना ही किस में है, बक्सा, गेंद ना ही बक्सा डी में है ना ही बक्सा ई में, बक्सा डी में है और ना ही बक्सा ई में है, राइट। आगे बढ़ते हैं। बक्सा सी का जिसमें क्रिकेट की गेंद है रंग हरा है, बक्सा सी है जिसमें क्या है, क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट बॉल है, उसका क्या है, ग्रीन कलर है उसका, हरा है, राइट। हॉकी की गेंद वाला बक्सा ना तो नीले रंग से रंगा है ना ही पीले रंग से रंगा है, जो हमारी हॉकी है इसमें ना तो कलर क्या है, हॉकी की गेंद वाला बक्सा ना तो येलो है और ना ही पीले रंग से रंगा है ना ही नीले यानी कि ब्लू से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बक्सा सी दाई ओर से पांचवी स्थान पर है और बक्सा बी के बगल में है, बक्सा बी में वॉलीबॉल है, हॉकी की गेंद वाला बक्सा गोल्फ की गेंद वाले और वॉलीबॉल वाले बक्सों के बीच में है। एक और हमें यहां से इंफॉर्मेशन ली, बक्सा बी में क्या है, वॉलीबॉल है, यानी कि बक्से बी में हमें वॉलीबॉल की पता चल गई, बॉल की बॉल आएगी, राइट। चलिए अब ये सारी इंफॉर्मेशन अभी क्या है, खाली पड़ी हुई है, इसको कैसे करेंगे, उसको इन जो बाकी जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से सॉल्व किया जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ हॉकी ना तो बक्सा डी में है और ना ही ई में है, ये वाली पहली इन्फॉर्मेशन ले ली मैंने, ना ही डी में और ना ही ई में, ठीक है, ना तो डी में है और ना ही ई में है, तो हम इसे कहाँ रख सकते हैं, एफ में, क्योंकि बी बॉक्स में तो क्या है हमारी, वॉलीबॉल की बॉल है, राइट। देन डी किसकी है, गोल्फ की नहीं है, आपसे बोला गया था ना, बेसिकली गोल्फ की गेंद बैगनी बक्से में है और वह डी बक्से में नहीं है, ठीक है, ये चीज आपसे कही गई थी, ठीक है। तुम्हारी जो गोल्फ आ जाएगा वो कहाँ जाएगा, ई में आ जाएगा, जब डी में नहीं है तो कहाँ आएगा, ई में आएगा, डी में बचा क्या हमारा, एक गेम बचता है, क्या, फुटबॉल बचता है, देख सकते हैं आप, फुटबॉल भी तो था ये रहा, ठीक। देन अब बचते हैं कलर, हॉकी ना तो येलो में है ना ही ब्लू में, दो कलर पहले से फिक्स है, नारंगी और हरा, ठीक है, ना तो इसमें पीला आएगा हॉकी में और ना ही ब्लू आएगा, राइट। डी में ना क्या आएगा, बैगनी नहीं आएगा, डी में बैगनी कलर नहीं आएगा, तो बचता क्या है हमारे पास, डी में अगर हम बैगनी को नहीं रखते, ठीक है, और आसमानी किस में आ जाएगा हमारा, एक कलर देखिए यहाँ पे आसमानी बच रहा है, बचा हुआ है आसमानी कलर, कहाँ है आप, कलर्स के ऊपर दिया गया था क्या, नारंगी है, रंगा है और ये आसमानी कलर देखिए, ठीक है, तो आसमानी कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा आसमानी, ठीक, यहाँ बचा हमारा बैगनी, क्योंकि बैगनी डी में तो आ नहीं सकता, ठीक है। अब बचता है हमारा यहाँ पे ना तो येलो आ सकता है ना ही ब्लू आ सकता है, और यहीं यहाँ पे येलो और ब्लू में दोनों में कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये दोनों स्पेस रह गए हैं, तो इन दोनों में से कोई भी कलर यहाँ आ सकता है, राइट। तो अब करते हैं, ये हो गई हमारी पूरी की पूरी सॉल्व, अब करते हैं इसको कैसे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बक्से में गोल्फ की गेंद है, गोल्फ की गेंद किस में है, यानी कि बक्से ई में है, ऑप्शन इज बी, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, डी पीले रंग से रंगा है, डी पीले रंग से रंगा है, नहीं, एफ आसमानी रंग से रंगा है, नहीं, एफ आसमानी रंग से रंगा हुआ है, ठीक है, देखिए ये हो गया करेक्ट बी ऑप्शन। फुटबॉल किस रंग के बक्से में है, यानी कि जो हमारी फुटबॉल है वो किस रंग से बक्से में पूछी जा रही है, येलो ब्लू, यहाँ पे देखिए दो कलर्स हैं, दो कलर्स वेरिएंट्स हैं, तो इसलिए इसके क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त होने के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन इज सी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, किस किस लाइनों की वजह से, इनकी वजह से, जो हमारी थी किसका, हॉकी की गेंद वाला बक्सा गोल्फ की गेंद के बल में है ना, वॉलीबॉल बक्से के बीच में है, आप चाहते तो इसको भी इस तरीके से एक अलग से लाइन ड्रॉ कर सकते थे,
इसमें कुछ नहीं था क्योंकि इसका यूज नहीं था। इसमें होता है ना, कुछ चीजें अनयूज डाल दी जाती हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस में नहीं आएंगी, तो वो कुछ इस तरीके की थी। आप चाहें तो इसमें ना एक ड्रॉ कर सकते थे, कैसे, जैसे आपसे कहा जा रहा था, एक लाइन भी यहाँ पे बन सकती थी, कैसे, जैसे यहाँ आपसे यहाँ कहा गया था, द ए इज, एक मिनट में देखता हूँ, ए गुल्फ इज वन बॉयलेट, द बॉक्स ए विच इज कंटेन टेनिस बॉल राइट इज ऑरेंज इन कलर एंड इज एट द एक्सट्रीम राइट। यानी कि आपसे पूछ रहा था, जो हमारे जो 2 3 4 5 6 हैं, 6 लोग हैं ना, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एन एफ राइट, एक्सट्रीम राइट बोल रहा था। तो यानी कि ए है हमारा यहाँ और इसका कलर क्या है, टेनिस खेल रहा था ये राइट, और कलर था इसका क्या, नारंगी। इस तरीके से एक और लाइन खींची जा सकती थी जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, अब आपसे बोला द बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड नेक्स्ट टू बॉक्स बी। देखिए, मैं आपसे अगर यहाँ ले लूँ, जो हमारा बॉक्स है, 1 2 3 4 5, तो पांचवें नंबर पे कौन है, बॉक्स सी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये नंबर्स हैं ए बी सी डी अल्फाबेट्स उनके अकॉर्डिंग लिख दिए थे जो कि नहीं आएंगे। ठीक है, आप इसको यहाँ से काट सकते हो, इन पे यहाँ इसकी जगह आप 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स डाल सकते हो। ठीक है, पांचवें नंबर पे कौन है, सी है, आपसे बोला है द बॉक्स बी कंटेन वॉलीबॉल, द बॉक्स कंटेनिंग द हॉकी बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस कंटेनिंग गोल्फ बॉल एंड वॉलीबॉल राइट। यानी कि बोल रहा है कि अब बी हमारा कहीं भी आ सकता है, या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ राइट, और बी क्या कंटेन कर रहा है, क्रिकेट की बॉल कर रहा था। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमारी यूजिबल नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए यहाँ लेक्चर को फिनिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।